सुशांत सिंह की अंतिम यात्रा में कई बड़े बड़े सितारे आए थे, लेकिन उनके पिता से किसी भी सितारे ने कोई भी बात नहीं की। सुशांत की अंतिम यात्रा में राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, वरुण शर्मा, रणवीर शौरी जैसे कई और बड़े सेलेब्स मौजूद थे, लेकिन उनमें से कोई भी सुशांत के पिता से नहीं मिला। वहीं सुशांत के जाने के बाद उनके पिता के सिंह ने पहली बार मीडिया से बात की है, जिसमें उन्होंने सुशांत की जिंदगी से जुड़ी कई बड़ी बातें बताई हैं। इस बातचीत में सुशांत के पिता ने अपने बेटे, उसकी इच्छाओं, उसके बचपन और उसकी शादी की योजना के बारे में बात की है। सुशांत के पिता ने बताया कि अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, वरुण शर्मा, रणवीर शौरी और कई अन्य लोग शमशान पहुंचे थे, लेकिन कृति सेनन ने ही आकर व्यक्तिगत रूप से उनसे बात की थी। के सिंह ने कहा, आए तो बहुत लोग थे, लेकिन हमसे सिर्फ कृति सेनन मिली थी। उसने साथ में बैठकर बात भी की थी, हम तो बात नहीं कर पाए, लेकिन वो जो बोल रही थी हम सुन रहे थे। सुशांत के पिता ने बताया कि कृति ने उनसे कहा था कि सुशांत एक बहुत ही प्यारा लड़का था। इसके साथ ही उनका कहना था कि काफी लोग मिलने आए थे, कोरोना के कारण सभी ने मास्क पहना हुआ था, इसलिए वो किसी को पहचान नहीं पाए। सुशांत के पिता ने ये भी खुलासा किया कि उनका बेटा बिहार के लिए बहुत कुछ करना चाहता था। वो बिहार में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल आदि का निर्माण कराना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से वो उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाया। इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल बात आज की को करें सब्सक्राइब, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बात आज की।